तो हेलो वीडियो फैमिली, क्या हाल है सभी का? ये सभी लोग बढ़िया होंगे। मैं हूँ आपका दोस्त शेख और स्वागत है मेरे चैनल द मास्क राइडर में एक और वीडियो के साथ। और आज की वीडियो में अपनी कावासाकी ZX10R का होने वाला है ऑपरेशन। बोले तो भाई गाड़ी पे जो दिक्कत आ रही है वो चेक करवाने आज मैं कावासाकी शोरूम जा रहा हूँ। आज तक मैं कावासाकी शोरूम गया नहीं हूँ, तो मुझे पता नहीं है वहाँ नंबर का कैसा सीन रहता है, शिव शंभू की नंबर लगवाना पड़ता है। पर मैंने कॉल कर दी थी, उन्होंने कहा था आ जाओ, 3-4 घंटे लेके आना। पर मैंने कहा ठीक है भाई, टाइम है अपने पास, आज छुट्टी है कॉलेज की, तो चलते हैं बाइक चेक करवाने। दिक्कत तुम्हें पता है मेरी गाड़ी में क्या आ रही है कि ये बार बार कैब बंद हो जाती है लो RPM पे, और RPM कैब बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करता है। तो कल रात बैठ के मैं वीडियोज़ देख ही रहा था यूट्यूब पर, तो मैंने देखा कि यार थ्रॉटल बॉडी क्या है, इसकी क्लीन करवानी पड़ती है हर 1.5-2 महीने बाद। अब मैंने कहा हर 1.5-2 महीने में तो भाई इतना टाइम रहता नहीं है कि मैं करवाऊँ, इतना तो मैं चलाता भी नहीं हूँ इसे। तो आज देखते हैं कुछ सॉल्यूशन हो पाए इसका, परमानेंट तो करवाएंगे, वरना भाई फिर और कुछ चारा नहीं रहेगा, 1.5-2 महीने बाद वाली झंझट पालनी पड़ेगी भाई, शेर पाला है तो दिक्कत तो होंगी। तो फटाफट शोरूम चलते हैं, फालतू बातें नहीं करेंगे रास्ते में, वरना ब्लॉग काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, क्योंकि मुझे नहीं पता दिक्कत कितनी बड़ी होने वाली है, क्योंकि अभी तक मेरे ख्याल से तो किसी ने थ्रॉटल बॉडी साफ़ करवाई नहीं होगी इसकी, तो फर्स्ट टाइम ही होने वाली होगी मुझे लग रहा है। तो चलते हैं और थ्रॉटल बॉडी साफ़ करवाते हैं और तुम्हें दिखाते हैं कि क्या आज का खर्चा बैठने वाला है। मुझे तो लगता है मोटा खर्चा बैठेगा आज, वो सब तो वहीं जाके पता चलेगा। चलो मिलते हैं सीधा कावासाकी शोरूम पे, निकलता हूँ यहाँ से। सो भाई ये रहा कावासाकी शोरूम, तो गाड़ी खड़ी करते हैं तब तक अपनी भारी पूछ लेते हैं भाई और कितनी गाड़ियां हैं अंदर, ताकि अपनी गाड़ी भी हो जाए जल्दी जल्दी। अभी यहीं खड़ी कर रहा हूँ, वैसे पार्किंग तो अंदर है। चेक करवानी थी ये अपनी ना, क्या और ये बार बार बंद हो रही है? 10R कौन सा मॉडल है? 19 RC तो फोन में होगी, मेरे पे वैसे अभी है नहीं, फोन में दिखाऊं? होगी तो अभी हो जाएगी। बोलो। तो भाई अपनी गाड़ी की होने वाली है सर्विस, भाई सर ने कहा कि काफ़ी टाइम हो गया सर्विस कराए हुए, क्योंकि मैंने तो सेकेंड हैंड ली थी गाड़ी, तो मुझे नहीं पता था जो फर्स्ट ओनर उसने कब करवाई थी, तो बोल रहे हैं 2022 में करवाई थी, और ये चल रहा है 2023, तो 1 साल हो चुका है। तो मैंने कहा चलो सर्विस ही करवा देते हैं भाई, आएगा एक ही बारी में करवा देते हैं। अपने टनार में एक फ्राइंग जनरल था जो कि बचा था, और ये भी लगभग खराब हो चुका है, क्योंकि 1 साल पहले सर्विस की है और लगभग इतना ही हो गया यार इंजन ऑयल का पीरियड, उसके बाद क्या है वो खराब होने बैठ जाता है। ये पूरा वेस्ट है, अब मैंने लगा नया इंजन ऑयल, और अभी क्या थ्रोटल बॉडी भी खुल रही है, बस थ्रोटल बॉडी खोलते हैं और उसे भी करते हैं साफ। चलो भाई शुरू हो जाओ। तो ये रही अपनी थ्रोटल बॉडी, और गंदगी कितनी है भाई, बहुत है भाई, जमा हुआ तो नाम इतना बुरा है। तो सोने की थ्रोटल बॉडी होगी भाई, क्या बोलते हैं। तो थ्रोटल बॉडी तो भाई क्लीन हो रही है, पर अपना एक खर्चा बच चुका है एयर फिल्टर का। एयर फिल्टर का ये क्या है, हाई परफॉर्मेंस है, तो ये क्या है रिज्यूबल है, तो ये बस सीधा साफ होगा और डायरेक्ट लग जाएगा, तो इसे भी साफ़ करवाते हैं। और थ्रोटल बॉडी क्लीनर भी मंगा दिया भाई से, तो वो भी अब आने वाला है, तो जैसे ही होगा आएगा तो मैं सीधा वीडियो बनाऊंगा उसकी, थ्रोटल बॉडी और ये साफ़ होगा। उसके बाद जो नॉर्मल सर्विस ब्रेक पैड वगैरह होते हैं वो तो डलते ही हैं, ब्रेक पैड हो गया, इंजन ऑयल हो गया, बाकी कुछ चीज़ें और होंगी जो ऐड होगी तो वो मैं बता दूंगा, बिल में तो खैर आ ही जाएगा सब कुछ, तो वहाँ तो मैं सब कुछ दिखा दूँगा उस टाइम पर। सो भाई ये है अपनी थ्रोटल बॉडी जो कि हो चुकी है क्लीन, यहाँ पर देख सकते हो तुम बटरफ्लाई वगैरह सब कुछ यहाँ पर क्लीन कर दिया है। तो बीच में क्या आ रही थी, यहाँ पर एक दिक्कत आ रही थी, जो ये गैप देख रहे हो तुम हल्का सा, यहाँ पर
ये जाम हो चुका था, पर वो भी साफ़ हो चुका है पूरा। तो थ्रोटल बॉडी पूरी क्लीन हो चुकी है। जो दिक्कत थी गाड़ी बार बार बंद होने की, वो इसी की वजह से हो रही थी। अब देखते हैं लगा के कि नहीं होगी या नहीं होगी। बाकी अब जो कवर है थ्रोटल बॉडी का, वो भी हो रहा है साफ़। तो थ्रोटल बॉडी फिट हो चुकी है, एयर फिल्टर फिट हो चुका है। अब आ गया अपना इंजन ऑयल, जो कि ये है फुल्ली सिंथेटिक 10W40, जो कि कावासाकी की तरफ से ही आता है। तो यही डलने वाला है, अपने 4 डब्बे डलते हैं, 4 लीटर है। 800 में भी सेम डलते हैं, 900 में भी सेम डलते हैं, और 10R है उसमें भी सेम ही डलते हैं, 4 डब्बे 4 लीटर। तो एक ये है, इसके बाद मेरे ख्याल से अब आएगा एक कूलेंट। कूलेंट भी चेक कर लेते हैं कितना बचा है, फिर वो भी डलवाते हैं। तो 4 डब्बे अपनी गाड़ी पी चुकी है इंजन ऑयल, उसके बाद अब स्टार्ट करके रखनी पड़ती है गाड़ी, ताकि इंजन ऑयल क्या मिक्स हो जाए ढंग से इंजन में। तो 4 डब्बे डल चुके हैं, कूलेंट तो है इसमें थोड़ा सा, तो वही टॉप अप हो जाएगा। ब्रेक पैड्स वगैरह तो पहले से ही थे इसमें, कुछ परसेंट बचे हुए हैं, तो वो तो अभी मैं नहीं डला रहा हूँ, अगली सर्विस में डला दूंगा ब्रेक पैड, क्योंकि अभी तो अभी के लिए तो फिलहाल बहुत है। बाकी एयर फिल्टर तो नहीं डलाना, क्योंकि वो रीयूजेबल है। तो मेन चीज़ जो डली है वो डली है इंजन ऑयल, और ऑयल फिल्टर डला होगा एक। सारी सर्विस होने के बाद अब लास्ट चीज़ रह गई है डायग्नोस की रिपोर्ट निकालनी, जो कि बता देगा हमारी गाड़ी में कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अगर कुछ भी दिक्कत आए तो ये रिपोर्ट बता देगी वो चीज़। भाई लगा रहा है मशीन को, स्टार्ट करते हैं, फिर दिखाता हूँ तुम्हें कि गाड़ी में अगर कोई दिक्कत होगी तो वो ये रिपोर्ट बता देगी। तो सारी प्रोसेस हो चुकी है, अब आएगी रिपोर्ट। तो रिपोर्ट देखते हैं क्या आ रही है। आ गई, ठीक है। सो भाई ये रही रिपोर्ट, जबकि अपनी एकदम पॉजिटिव है, सब कुछ सही है, रिजल्ट है, पास्ट है अपनी गाड़ी। और अब बस हो चुकी है अपनी गाड़ी की सर्विस। तो अब फाइनल आ जाते हैं कॉस्ट पे, तो कॉस्ट अभी बताता हूँ आपको बस, कैसे हाथ में बिल आता है। सो भाई सर्विस हो चुकी है अपनी पूरी, और ये रहा अपना बिल, हो गया सब कुछ। तो टोटल बिल है यहाँ पर 15,792 आया है, वो 20 लाया है क्योंकि मेरी थ्रोटल बॉडी भी थी, जो कि तुम यहाँ पर देख सकते हो। 3100 खर्चा उसका आया था, बाकी इसे हटा के तुम सर्विस चार्ज लगा लेना, 3100 हटा के तुम लगा लेना सर्विस चार्ज, बाकी सब तो एज इट इज़ है, कूलेंट वगैरह सब कुछ जो भी है, टोटल बस 15,000 है। अपनी गाड़ी हो गई सर्विस, ये देख सकते हो तुम, आफ्टर सर्विस चमक रही है अपनी, वॉच वगैरह सब करवाई है, चेन लिव वगैरह जो भी मैंने तुम्हें दिखा दिया, रोक के तुम वीडियो देख लेना बिल में कि क्या क्या हुआ है। थ्रोटल बॉडी की वजह से क्या है, 3100 कुछ ज़्यादा पड़े हमारे, 3180 शायद ऐसी कुछ था, वो ज़्यादा पड़े थ्रोटल बॉडी के चक्कर में, क्योंकि थ्रोटल बॉडी भी क्या है यार, क्लीन करवानी पड़ती है, वरना 10R बार बार बंद होती है। ये दिक्कत थी 2019 मॉडल में, हर 2019 मॉडल में यही दिक्कत है जो BS4 है, कि थ्रोटल बॉडी बार बार साफ़ करवानी पड़ती है, इस वजह से प्राइस थोड़ा ऊपर चला गया। सो निकल चुके हैं कवासा के शोरूम से, अब तुम देख रहे हो कि मैंने क्लच मार रखा है, तो गाड़ी अभी भी ऑन है, वरना ये बंद हो जाती है अभी तक। खर्चा तुम्हें पता लग गया कवासा की ऑन करने का, ZX10R ऑन करने का, कि लगभग 15,000 तक। तो मतलब वैसे अगर मैंने ब्रेक पैड नहीं डलवाया इसमें, ब्रेक पैड और कूलेंट मैंने नहीं डलाया क्योंकि वो पहले से ही था, ऑयल फिल्टर इंजन ऑयल चेंज हुआ है सर्विस में, 3500 कुछ तो लगभग लेबर चार्ज है इनका, देहरादून में जो है शोरूम उसका बता रहा हूँ, बाकियों का मुझे नहीं पता कि दिल्ली में कितना लेते हैं या बाकी और भी स्टेट है जो, वहाँ मुझे नहीं पता। देहरादून में मैं तुम्हें बता सकता हूँ बस कि 3500 कुछ चार्ज है, और स्टेट में भी मेरे ख्याल से लगभग सेम ही होगा, क्योंकि शोरूम या फ्रेंचाइजी तो सेम ही रहती है भाई। देखो तो 3500 कुछ लेबर चार्ज है, बाकी तुम एडिशनल अपना करते रहो। 1300 का कुछ इंजन ऑयल था, 1300 का इंजन ऑयल था, बाकी ऑयल फिल्टर था 1200 का, बाकी अपना जोड़ते रहो, तुम्हें जो जो सर्विस में करवाना है भाई उस हिसाब से एडिशनल चार्ज होगा। मेरा 15,000 आया है थ्रोटल बॉडी का मिला के, तो बस इतना ही था आज के उसमें। बाकी अपनी गाड़ी अब चल रही है बढ़िया करके, और अब ट्रैफिक में बंद नहीं होगी है। ब्रेक पैड वगैरह अब मैं सीधा 1000 किलोमीटर बाद चेंज कराऊँगा, अभी तो खैर है, अगर ब्रेक पैड में डलवाने जाता तो लगभग पड़ता तो मुझे 25,000 तक का पूरा सर्विस के साथ ब्रेक पैड। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही, अगर वीडियो पसंद आए तो यार वीडियो को लाइक करो। मेरे ख्याल से नहीं भाई, रेस नहीं करेंगे बिल्कुल भी। बाकी मैं बता रहा था, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करो वीडियो को, ऐसी मैं वीडियोज लाते रहूँगा 10R के ऊपर, सुपर बाइक्स के ऊपर। प्लान आज का कुछ और था, पर मैंने कहा चलो सर्विस करवा लेते हैं पहले, तब जाके चलाएंगे अपने 10R। सर्विस करानी भी ज़रूरी थी भाई, लगभग सर्विस अपनी हो गई, 3rd सर्विस थी ये। बाकी मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग के लिए, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।